पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौरा 4A फायर पीच में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने शुक्रवार को एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें जयराम महतो की आने की सूचना थी। विधि व्यवस्था भंग ना हो या फिर कोई अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने BCCL प्रबंधन के आग्रह पर उक्त पेज के 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी थी। लेकिन धारा 144 को दरकिनार कर ग्रामीणों ने दिन के करीब 12 बजे 4A पेज के पास जुटने लगे थे, जिन्हें रोकने के भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे। पुलिस उन्हें समझाने का काफी प्रयास भी किया, लेकिन आंदोलनकारियों के सामने पुलिस की एक न चली और आंदोलनकारी पेज के भीड़ में के साथ स्थल के समीप धरना पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच कई बार बकझक भी हुई। आंदोलनकारी पुलिस, जिला प्रशासन और BCCL प्रबंधन के विरोध में नारेबाजी भी लगातार कर रहे थे। आंदोलनकारियों का कहना था कि जमीन हमारी है तो इस पर धारा 144 कोई और कैसे लगा सकता है, हमें जेल जाना मंजूर है पर भूखे मरना मंजूर नहीं, हमारा जमीन कंपनी ले ली है लेकिन ना नौकरी दी है और ना मुआवजा। लगातार आधा दर्जन बम धमाके से पूरा 4A पेंच गूंज उठा। आंदोलनकारी जान बचाने के लिए धमाका होते ही भागने लगे, बाद में पुलिस से उलझे गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस आउटसोर्सिंग के कैंप में जाकर छानबीन की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगी। जबकि जिस स्थान पर बम फेंका गया था वहां से पुलिस ने बम के अवशेष जब्त किए और आगे की जांच शुरू कर दी है। अच्छा, आंदोलन चल रहे थे, आंदोलन शांतिपुर के चल रहे थे, तो ऊपर से जो है वहाँ से उस शटर के पीछे से आवाज़ आया, मैंने देखा कि वहाँ उसका थोड़ा माहौल गड़बड़ा गया, फिर थाना प्रभारी भी यहीं थे, माहौल अभी ठीक है, शांतिपूर्वक है, देखते हैं थाना प्रभारी क्या करते हैं। कुछ अवशेष वगैरह भी बम का मिला है क्या? हाँ, वो जूट टाइप का कुछ मिला है सामने में, थाना प्रभारी उसको जब्त किया है। आप सब सुबह से थे जहाँ पे? जी। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई? प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं, उन लोग का मांग है कुछ कंपनी, तो शांति से कर रहा था। हाँ, हम लोग के द्वारा भी कहीं दिक्कत नहीं था, लेकिन अचानक से उधर से, किधर से, वो पीछे साइड से, वो ऊपर से, कौन था? नहीं, इसकी अभी तक जानकारी नहीं हुई है। कैंपस के अंदर से बम चली थी सर, ये हम कैसे बता सकते, लेकिन वहाँ गए थे सर। हाँ, अभी हम गए थे। अच्छा, तो वहाँ क्या पाया सर? वहाँ तो ऐसा अंदर में एक भी आदमी नहीं है, पूरा एकदम चला उधर से था। नहीं, ये हम कैसे कहेंगे, इधर से फेंक दिया था कि उधर से, लेकिन वहाँ पे आवाज़ हमको सुनाई दिया। आप किस चीज़ का था उतना तो झूठ देखे हैं, थाना प्रभारी उसको जब्त किया। नहीं, आवाज़ मुझे सुनाई दी है, बम है या क्या है, पटाखा है, ये मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता। वहीं से हुआ? हाँ, वो जब हुआ आवाज़ आया तो ये पब्लिक थोड़ा उग्र हो गया जी, कि ऐसा कैसे इतना, मतलब अभी फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है, अभी ठीक है, थाना प्रभारी अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं भी यहीं पर हूँ, देख रहे हैं। थैंक यू। देखिए, हम लोग के पास अब रहने बचने के लिए कुछ रहा ही नहीं गया, हम लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं। ये हमारा पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले हम लोग बहुत सारा आंदोलन किए हैं, बस यही माइंस में, यही जगह। BCCL का GM हो या BCCL का प्रोजेक्ट ऑफिसर हो या CO सर हो या SDO सर हो या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, लगभग मैनेजमेंट हो या सिस्टम हो या सरकार के प्रतिनिधि हो, लगभग सभी के साथ हम लोग बैठे हैं, सभी के साथ हम लोग माने जुड़ के अपना काम को करने का प्रयास किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का काम नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं हम लोग का जमीन आज भी गुंडागर्दी से, बाहुबली से, जिस तरह अंग्रेज लोग माने पूरी तरह अपना पावर का मिसयूज़ करके एकदम पूरी तरह लोगों का जमीन छीनने का काम करते थे, बस उसी तरह अभी के जो सिस्टम है, अभी का जो सरकार है, चाहे सेंट्रल का हो या राज्य का हो, सबका बस एक ही काम है, यहाँ के रैयत को दबा के रखिए, यहाँ के लोगों को हक अधिकार जितना हो सके छीनिए, यहाँ के लोगों से ही आपका मोटा रकम उगाही हो रहा है। आपको हम जहाँ तक बता दे रहे हैं, यहाँ अरबों का प्रॉपर्टी निकल रहा है, अरबों का प्रॉपर्टी आप निकाल के पूरा देश में, देश को विकास कर रहे हैं,
आप जब हम माइंस रोकने जाते हैं, यहाँ का अधिकारी जो जीएम है या पीओ, उनका कहना रहता है हम लोग देश हित में काम कर रहे हैं, इसको मत रोकिए। तो हम लोग देश के बाहर के लोग नहीं हैं, हम लोग भी यहीं के हैं। तो कम से कम इतना तो आपका संवैधानिक बनता है कि आप इनको ज़मीन का मुआवजा दीजिए। आपका जो भी माइंस एक्ट है उसके अनुसार माइंस चलाइए। अच्छा, कितने लोगों का ज़मीन है यहाँ पे? रैयत बहुत सारा है, अभी डीसी का नोटिस है, नोटिस आप देख लीजिएगा, उसमें 22 एकड़ मुआवजा अविलंब देने का मैंने अनुशंसा की गई थी। वो नोटिस करीब 2021 में ही किया गया है। उसके बाद सीओ साहब द्वारा नोटिस किया गया है जीएम को कि ज़मीन का मुआवजा दिया जाए। उसके बाद पॉल्यूशन बोर्ड का एक नोटिस है, उसमें लिखा गया है कि नदी के सामने आप डंप नहीं कर सकते, नदी को आप डैमेज नहीं कर सकते, इसमें बहुत आदमी का आजीविका जुड़ा रहता है। तो लगभग लगभग हर एक चीज़ हमारे पास है, साक्ष्य है, प्रूव है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लोग जोर जबरदस्ती और बाहुबली और अपना प्रशासनिक पावर का मिसयूज करके कहीं ना कहीं आज आप देख ही रहे हैं कि इतना ज़्यादा पुलिस फोर्स बुला देना, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हम लोग लुटेरे हैं। आप हम लोग विधिवत कर रहे हैं, सूचना दे करके कर रहे हैं, हर एक चीज़ से कर रहे हैं, आखिर हम रैयत करे तो क्या करे? आप लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीका से चलने नहीं दे रहे हैं, तो हम करें तो क्या करें? आप 144 वहाँ लगा रहे हैं, आप इतना दिन से भूदशान क्षेत्र है, आप थोड़ा दूर एक बार वहाँ मीडिया कवर कर ले, ज़मीन ऐसा है लगा रहा है कि भूकंप आ गया है, बीच से फट गया है, एक ज़मीन ऊपर में है तो एक नीचे खाई में चला गया। यही अगर बारिश कंटिन्यू रहे, जीएम साहब कल या परसों चौंगा लेकर के पूरा 12 नंबर में घुमा रहे थे कि अपना जगह खाली कर दीजिए, अगर बारिश में धस के खाई में घुस जाता है तो इसका जिम्मेवारी मेरी नहीं रहेगी। जमीन हमारा है, माइंस आप चला रहे हैं, तो विस्थापन करने की जिम्मेवारी किसकी रहेगी? एकदम सब कोई एकदम क्लियर है, मैनेजमेंट की रहेगी। रहा बात पेपर का, तो कहीं ना कहीं पेपर बनाने का काम है सीओ का, जो भी सीएनटी परमिशन है उसका काम है, डीसी साहब का। तो आप लोग दोनों मिल करके, आपसे अगर नहीं हो रहा भू अर्जन को दे दीजिए पैसा, उसमें भी अगर नहीं हो रहा तो आप डीसी को बैठाइए और डीसी इसमें संज्ञान ले, डीसी सर, और डायरेक्ट बोलें एकदम। देखिए अब इतना हम लोग लिखित कर चुके हैं कि लिखित के ऊपर हम लोग का भरोसा ही उठ गया, चाहे एसडीओ का साइन हो, चाहे एक बार पिछला एसडीओ रहेंगे तो वो बोलेंगे हम तो नया आए हैं, मेरा एक बार बात सुन लीजिए, अब जो आएंगे वो बोलेंगे अरे हम तो नया एसडीओ आए हैं, मेरा बात सुन लीजिए। मैंने हर एक बार आप देखते आए हैं, पुराना करीब जीएम आते गए जाते गए आते गए जाते गए, सेम उसी तरह प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं जाते हैं आते जाते, लेकिन हक नहीं मिल पा रहा, समस्या का हल नहीं, समस्या का अगर ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रहा। तो आप देखे होंगे ये लोग का बस एक ही रहता है कि कोयला हम लोग को निकालना है, पैसा कमाना है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप वार्ता कीजिएगा, खुले मंच में वार्ता कीजिए, पब्लिक प्लेस में वार्ता कीजिए, पब्लिक के सामने वार्ता कीजिए, आपका जितना भी सोशल मीडिया है, आपका जो भी चैनल है, सबके सामने वार्ता कीजिए, सब भी सामने रहेगा, ग्रामीण भी वहाँ रहेंगे। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका जो एसडीओ सर आप 144 लगाएं, इसलिए ना लगाएं, विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगा। आपके पास पावर है आईपीसी का, आप लगा दिए कि विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगा। हम भरोसा देते हैं कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका विधि व्यवस्था बिगड़े, हम आपका एक रुपया भाई डैमेज नहीं होने देंगे। बस आप एक काम कीजिए, चलिए उपायुक्त आवास, हम लोग भी चलेंगे, ग्रामीण भी चलेंगे, सब रैयत भी रहेगा, सीएमडी को भी वहाँ बुलाइए, आप सेक्रेटरी को नहीं होगा तो उसको भी बुला लीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, मुख्य सचिव, उसको भी बुला लीजिए। और सोशल मीडिया के सामने कोई लिखित नहीं है, सोशल मीडिया आज इतना बढ़ चढ़ के है, कहे कि देश का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं मीडिया है, उसके सामने सब दर्शक देखेगा, पूरा झारखंड देखेगा, पूरा देश के लोग देखेंगे, और वहाँ स्पष्ट बोलिए कि आज देश आज़ाद हुए इतने साल, 75 साल होने के बाद भी आज झारखंड के लोग गुलाम क्यों हैं? आज हमारे लोग को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, झारखंड राज्य बनने का क्या मकसद था? अगर राज्य बनने के बाद भी अगर हमें अधिकार नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग गुलाम हैं। इससे अच्छा तो अंग्रेज लोग भी कम से कम हमारे जमीन को लेकर के, अरे टैक्स लेते थे वो लोग जमीन, अरे खाने के लिए अनाज नहीं छीनते थे वो लोग। आप तो यहाँ हम लोग का खेत रहता तो हम लोग सब्जी उगा करके सब्जी बेच करके 10-15 हज़ार हम लोग का जो महिला है वो लोग कमा लेते थे। कितने एकड़ जमीन थी यहाँ? देखिए अभी तत्काल डीसी साहब 22 एकड़ किए हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारा जमीन है, हजारों रैयत का जमीन है, बहुत सारा रैयत जमीन है, और पेमेंट करें तो और बहुत ज़्यादा यहाँ राशि पेमेंट करना होगा। 22 एकड़ डीसी के जाँच अनुसार है, 2021 में जाँच हुआ है, वो भी केवल 4A का। आप 3 फीट में जाइए, 4A मेघा में जाइए, उसके बाद इनका विस्तारीकरण तो होते रह रहा है। ऊपर से आप जब नौकरी दिए हैं
BCCL जब यहाँ कंपनी आई तो वो जो भी उनका मन में आया सो करके, आप जान रहे हैं CNT एक्ट यहाँ लगा हुआ है। CNT एक्ट का जमीन में बिना DC के परमिशन से माइंस आप नहीं चला सकते हैं। पहले आपको DC का CNT परमिशन लेना है, जमीन अधिग्रहण करना, जो भी आप राइट टू फेयर में जाइए, कोल बेयरिंग में जाइए, जो कानून से आना है उस कानून से आइए, हम उस कानून से बहस करेंगे DC साहब के यहाँ। लेकिन संविधान का कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको ये परमिशन देता है कि बिना जमीन अधिग्रहण करे आप माइंस चलाएं। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गुंडागर्दी है और प्रशासन दिखा करके गुंडागर्दी को और बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस अगर आ करके हमें आंदोलन करने से रोक रही है तो ये आप गुंडागर्दी को करने के लिए, आप एक होता है ना चोर का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब चोरी करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। आज छोटा आज कोल माफिया अगर छोटा चोरी कर रहा है तो कल आप पुलिस सपोर्ट कर रही है तो कल बड़ा चोरी करेगा, तो सेम उसी तरह आज आप इतना बड़ा कर रहे हैं, कल दिन ये लोग मेगा प्रोजेक्ट चलाएगा, C2PS चलेगा, पूरा भौरा को कवर करेगा, कहीं पूरा गुंडागर्दी से माइंस चलाएगा। आज विस्थापन भी बिना किए आप माइंस चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप हर एक कानून को हर एक चीज़ को ताक में रख के माइंस चला रहे हैं, किसी का मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप DC सर को बुलाइए, CMD सर को बुलाइए, एकदम उपायुक्त आवास में हम लोग ग्रामीण भी रहेंगे, आप BCCL का भी जो भी आपको अधिकारी स्टेट डिपार्टमेंट का जो कानून का जानकार है हम लोग भी अधिकारी बुलाएंगे, हम लोग भी अपना अधिकार आदमी बुलाएंगे जो कानून का जानकार है, और एकदम सोशल मीडिया के सामने बोलिए कि आप कितना दिन में मुआवजा दीजिएगा। बैठक होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता लाना चाहिए, बिल्कुल चार दीवारी के अंदर नहीं होना चाहिए। चार दीवारी के अंदर आप अगर ऊंचा आवाज में बोलिएगा कौन गारंटी आपको उठा के वो जेल नहीं ले जाएगा? चार दीवारी के अंदर मेरा सो ऑफिस है तो मेरा ना राज चलेगा? आइए ना जांच टाउन में वार्ता कीजिए, कितना कैपेसिटी हम भी दिखाते हैं, आइए आइए बुलाइए, कितना आप फोर्स बुला रहे हैं, आप वहीं फोर्स बुला कर घेर लीजिए पूरा बस्ती को, वहाँ बैठक कीजिए। लेकिन फिर भी ये लोग पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहेंगे, इनको डर रहता है अगर पब्लिक आक्रोशित हो गया तो मार के माथा फोड़ देगा, इनको डर है। क्या है, पब्लिक क्यों मारेगा आपको? आपको आप इस देश के सिस्टम चलाने वाले हैं, आपको इस चीज़ का होना चाहिए कि हम लोग यहाँ के रक्षक हैं, लोग हमारे विरोध में क्यों जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। आज सिस्टम करप्ट से भरा हुआ है, आज आपका विरोध लोग क्यों कर रहे हैं, बस यही कारण है आप लोग गलत कर रहे हैं। लोग मतलब होता है ना, लोग के पास कोई चारा नहीं बच रहा है, तो आप अगर लोगों को भरोसा दीजिएगा कि हम आपके साथ हैं, लोकतंत्र है, सिस्टम आपके साथ है। आज जमीन का रसीद कटाने में आदमी का हालत खराब हो जा रहा है, वंशावली क्या बना के क्या रखे हैं आप, क्या सिस्टम बना के रखे हैं? पहले घर घर मौजा मौजा आता था रसीद काटने के लिए, आप खतियान एक तो ऐसा खतियान लागू करके रखे हैं जिसमें 110% गड़बड़ी है। हमारा CS खतियान में अगर 20 एकड़ जमीन है, RS में आया 5 एकड़ जमीन, कहाँ गया जमीन? एक तो खतियान में इतना गड़बड़ी करके जमीन छीन लगे, आदमी कोर्ट जाता है ओरिजिनल सूट के लिए, वहाँ आपका इतना कोर्ट फी मांग कर दिया जाता है, गरीब आदमी को खाने नहीं जुट रहा, कोर्ट में केस कैसे लड़ेगा? मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। और हम बस इतना ही चीज़ बोलना चाहेंगे, जो CSF की टीम खड़ी है और BCCL की जो भी टीम खड़ी है, SDO सर जो लगाए हैं 144, बस इतना ही कहना चाहेंगे, अभी आप लोग अभी आप विकराल रूप नहीं देखेंगे, पूरा झारखंड को उठा के बैठा देंगे यहीं। आंदोलन इतना तेज होगा, ये केवल भौरा का कहानी नहीं है, आप पूरा धनबाद में ऐसे ही चला रहे हैं, पूरा धनबाद में आप ऐसे ही गुंडागर्दी से माइंस चला रहे हैं। यहाँ हर एक रैयत यहाँ का पीड़ित है, पूरा धनबाद का रैयत पीड़ित है। पुटकी मामला देखें, वहाँ लड़की फांसी लगा लेती है, क्या कर रही है प्रशासन? वहाँ का रैयत जिसके जमीन पर आप खनन करके राज कर रहे हैं, जिसका जमीन में खनन करके जिसके पैसा से आप AC का हवा खा रहे हैं, जिसको कुछ नहीं रख पा रहे हैं, तो किस लिए पोस्ट में बैठे हैं? रिजाइन मार दीजिए, चलाने के लिए और भी आदमी हैं, और भी आदमी आएंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि DC सर, CMD सर और जो भी हम लोग का ग्रामीण है और जो भी प्रशासनिक अधिकारी जो भी जानकार है वो बैठे और सोशल मीडिया के सामने वार्ता करें और स्पष्ट बोले कि हम 1 महीना के अंदर आपको मुआवजा दे देंगे और तब तक माइंस को बंद रखिए। पूरा परिचय दे दीजिए। खेमलाल महतो, किसान नेता।